वो तो हो गया। अब हमको ये बताओ भाई कि इसमें मान के चलो स्टार्ट, हम जैसे कि कभी जब भी गियर में रहेगा वो स्टार्ट हो जाएगा, वैसे हो जाता नहीं है होता है। होगा, और ये किस तरह का माइलेज देता है, और ये भाई नया मतलब यहाँ पे ड्राइवर आया है भाई और इसको चलाने के लिए, और ये भाई बताएगा इसको कैसे चलाते हैं और सीखना होगा। तो हाइवा ये दावा करता है कि हमारे पास में जो भी रहेंगे वो सब बताएगा, अच्छा से बताएगा, और कैसे इसको चलाते हैं और कैसे मेंटेनेंस में इसको रखते हैं। आ जाइए भाई। चलिए पहले स्टार्ट करने से आप लोग के बताते हैं, पहले टायर और चेक कर लेंगे पंचर है कि नहीं है, उसके बाद गाड़ी पर चढ़ते हैं बताते हैं। मतलब इसका भाई का कहना है कि चलाने से पहले हमको मतलब स्टेयरिंग पे बैठना होगा, तो बैठने से पहले हम देख लेंगे कि हमारा टायर वगैरह सब ठीक है कि नहीं, बस इसका भाई का यही कहना है। और ऊपर फंक्शन के बारे में देखिए, एक्सीलेटर है, ये क्लच है, ये ब्रेक है ना। चलिए ऊपर चलिए। ये लीवर है ना, तो इसका मतलब लीवर जैसे जैक लीवर। हाँ, इसको अभी लगा हुआ है। लगा हुआ है। अच्छा, इसको कितना भार? न्यूट्रल है। हाँ, न्यूट्रल में है। अच्छा, इसको उठाने के बाद में उठाने के बाद में ये उठेगा उठेगा तो उठेगा। अच्छा, ऊपर रहेगा तो डाउन होगा। चलिए भाई देखिए, इसको आप डाउन में कीजिएगा ना तो वो उठेगा, डाउन में उठेगा और पीछे रहेगा, समझिए पीछे रहेगा तो डाउन होगा और वो लॉक हो जाएगा, बीच में लॉक हो जाएगा। और इसका इस तरफ देखिए, ये सब फंक्शन वही है सेम। और ये देखिए सेंसर, ये सेंसर है ना भाई? सेंसर है। अगर नींद आएगा ना आपको, सामने में कैमरा है और कैमरा भी है और बाजा भी है, आपको नींद वगैरह आएगा तो ये आपको जगा देगा, आपको एक्सीडेंट होने से बचा देगा। 10 गियर का है। और गियर के बारे में देखिए, गियर 10 गियर का है, दस लगा के देखो। अच्छा, मान के चलो भाई अगर सीखना रहेगा तो हमको स्टार्ट करने से पहले क्या करेंगे, पहले क्या कैसे देखेंगे? हम स्टार्ट कर देंगे ऐसे ही कि मतलब हमको देखना है कि न्यूट्रल है या नहीं है। न्यूट्रल है, इधर न्यूट्रल हो गया है बीच में। हाँ, स्टार्ट करने से पहले एन आएगा या न्यूट्रल लिखाएगा, एन। अच्छा, एन चाबी दीजिए। हाँ, वो तो हो गया। अब हमको ये बताओ भाई कि इसमें मान के चलो स्टार्ट, हम जैसे कि कभी जब भी गियर में रहेगा वो स्टार्ट हो जाएगा, वैसे हो जाता नहीं है? होता है। गियर में रहता है तो स्टार्ट नहीं होता है ना? नहीं होता है। हो नहीं होता है, बिना न्यूट्रल बिना स्टार्ट नहीं होगा, न्यूट्रल करना ही पड़ता है इसके बाद में। और दो तीन नंबर डायरेक्ट लगेंगे तो उड़ जाएगा गाड़ी, उड़ जाता है। बस खाली मतलब अपना चलाने का क्षमता होना चाहिए ना। और फर्स्ट में अगर मान के चलो भाई, फर्स्ट में हमको अगर गाड़ी बढ़ाना है तो सही गियर कौन सा है? एक नंबर है। एक ही नंबर है ना? और ज़्यादा अगर हमको चढ़ान पे अगर चढ़ाना रहेगा तो कौन सा लोड? सी गियर लगाएंगे। चलिए ठीक है भाई। और देखिए, इसमें सबसे मेन प्रॉब्लम नहीं, जो प्रॉब्लम गाड़ी में आता है जैसे आग लग जाता है तो ये फायर वाला है। और फायर वो जो आपको बुझाने आता है, कैसे उसको होता है निकाल के, कैसे उसको हुक, वो दिखाइए थोड़ा। देखिए लॉक है इसका, चाबी खराब है का, ये चाबी खराब है, तार से बांधा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं भाई। और भारत बहन के बारे में आपको अगर जानकारी जितना मिले और हम उतना दिए। और देखिए सीट वगैरह भी सब ठीक है। और एक बात और भाई, इसमें हैंड ब्रेक किधर है? हैंड ब्रेक यहाँ पर है। हैंड ब्रेक ये छूट गया और ये लग गया, और ये है हाइड्रोलिक वाला है बटन। अच्छा, ये हाइड्रोलिक है, ये फ्लाईव्हील है, ये फ्लाईव्हील है। हाँ, ठीक है, ओके भाई।
आप लोग को अगर गाड़ी सीखना होगा तो आप ये वीडियो को देख के भी सीख सकते हैं, भारत वैन के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं।